गरम मिस्त्री फेरते थे, जब चमड़ी जलती थी उस पर नमक छिड़क देते थे। जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, उसके लिए हल्की है। तुम्हें पता है मुरादाबाद शहर में किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे आशिक रसूल जिसको 3000 अंग्रेजों ने मिलकर गिरफ्तार किया था। ये आजादी के मौके की बात कर रहा हूँ, 1857 से पहले गदर का जो यहाँ पर मामला हुआ, किफायत अली काफी को गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने दारुल इमारत में 7 दिन तक उनके जिस्म पर गर्म इस्त्री फेरी थी। गर्म इस्त्री फेरते थे, जब चमड़ी जलती थी उस पर नमक छिड़कते थे, और हर रात जख्मों पर नमक छिड़कने के बाद किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह खड़े रहते। तो उस वक्त भी कहा था, देखो बात मान लेते अगर हमारी, हम अपनी वजारत में रख लेते, हमारी हुकूमत को तस्लीम कर लो, हम तुम्हें ओहदा भी देंगे और पौंड भी देंगे, महाना मुशाहरा भी देते। लेकिन किफायत अली काफी ने उस वक्त हंस कर कहा था, ऐ जालिमो, तुमने किफायत अली काफी के ईमान को बहुत हल्का समझा है, ये इतना हल्का सौदा कभी नहीं कर सकता। जो एक बार बाजार मुस्तफा में बिक चुका है, पूरी दुनिया उसको क्या उसकी जूतियों को नहीं खरीद सकती, नहीं खरीद सकती। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को मुरादाबाद शहर के चौक पर बाजार पर ले जाकर फांसी पर लटकाया जा रहा था, लोग भी खड़े थे। अंग्रेजों ने पूछा था कि अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ, बीवी बच्चों से मिलना है, किसी को कुछ नसीहत करना है, किसी को कुछ वसीयत करना है, आखिरी ख्वाहिश फांसी पर चढ़ने वाले से पूछी जाती है। उस आशिक रसूल से जब पूछी गई तो उसने कहा, हाँ एक ख्वाहिश है कि जाने से पहले एक बार मेरे मुस्तफा की नात पढ़ लूं, मेरे आका की बारगाह में नजराने अकीदत पेश कर लूं, और फांसी के फंदे पर जाने से पहले उस आशिक सादिक ने ये गुनगुनाया था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा, सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। मेरे अजीजो, दुनिया आजमाती है मेरे मुस्तफा के आशिकों को, आज मैं तुम्हें ये दर्स देने आया हूँ, चाहे दुनिया की जैसी भी बड़ी बड़ी ताकतें तुम्हारे कदमों को हिलाने के लिए आए, हर चीज का समझौता कर लेना, मगर मुस्तफा की इज्जत पर एक आने बराबर भी समझौता कभी ना होने देना। फिर पुकार कर इस दुनिया से कहना, तुम अगर हमें सिक्कों पर खरीदने की बात करते हो या तख्त ताज दिखा करके हमें खरीदने की बात करते हो, जवाब इतना ही होगा जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है, जो चांद मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का चाहो चला दे। यह हमारा नारा है, यह हमारा नारा है, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, बस हुजूर के होकर रहो, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहि الحمد मैं दुनिया से मुसलमान हुआ। अजीजाने गिरामी औकात, जो लज्जतें मेरे मुस्तफा की मोहब्बत में है तुम्हें अभी उसका अंदाजा भी नहीं, शऊर नहीं होगा। एक बार किसी से मोहब्बत करने के बाद दिल में जो तड़प पैदा होती है, मैं आपको बताऊं, आला हजरत से पूछो, वो कहते हैं जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दबा उठाए क्यों। ये मोहब्बत में अगर दर्द होता भी है तो यही इलाज है उसका, यही दवा है। नबी पाक की मोहब्बत में तड़पना सीखो, कैसे आएगी ये मोहब्बत, क्या नारे लगाते आ जाएगी, जोरदार पुकारते हुए आ जाएगी, झंडे लहराने से आ जाएगी।